फिर हम गए मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा दीन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। ये कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए तो उन्होंने जहाँ स्टे किया था ये वही जगह थी और बाद में इसी जगह पर बन गई थी मस्जिद कुबा। ये दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट सऊदीया लाइफ। आप मस्जिद भी आए और उसी के साथ इन्होंने जो है वो स्मॉल पार्क्स और थोड़ी बच्चों की एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, तो वो एक तरीके का आउटिंग भी हो रही है, प्लेइंग भी हो रही है। यहाँ बास्केटबॉल बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ साइकिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर सारी फैमिलीज बैठी हैं। ये हम आए थे मस्जिद कुबा, लेकिन हमारी एंट्री मस्जिद में नहीं हुई बच्चों की वजह से। उन्होंने हमें बोला है कि आप जाएं दूसरी साइड, तो अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड से। कहाँ से? यहाँ से इफ्रा। बच्चे हैं अभी और आगे। वेयर नहीं, मस्जिद मना क्यों किया समझ नहीं आ रहा। मे भी बच्चे चला रहे हैं या बच्चे शोर मचाते हैं या क्या है। कम हियर हरीम। तो बच्चों की उन्होंने मस्जिद के अंदर जो है वो एक डिफरेंट कॉर्नर बनाई है। फिलहाल हम वहाँ जाके नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों को इनके अब्बा के हवाले करके फिर पूरी मस्जिद में जाएंगे। मस्जिद कुबा में इफ्रा के जूते चोरी हो गए। इफ्रा सैड हुआ तो बेटा, नए जूते आ जाएंगे। इफ्रा इफ्रा अच्छा बोलो इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि, बोलो तो। जब तक आशिक खाला जूते खरीदने गए, हमने करी इधर उधर थोड़ी सी विंडो शॉपिंग। और ये जो सुवेनियर्स की शॉप होती है ना, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है मेरी जब भी मैं कहीं जाती हूँ। कौन से कलर की चप्पल ली है आपने? येलो भी थी। सही है, तो वो लग रही है सॉफ्ट, थोड़ी सॉफ्ट 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 है। हाँ, लेकिन ये कितने की मिली? 22 रियाल की मिली है। ये बनाए, इसको बनाए, इफ्रा को बनाए। 500 रियाल के मिलेंगे। इसने खोए अपने स्केचर्स, मुँह छुपा रही है। मजा आएगा। दो घंटे एक घंटा वॉक करना है, आधा घंटा इज फाइन। इतने से बच्चों के साथ है ये, आप जाएं आधा घंटा। तो ये टाइम लैप्स बना दिया था कि हमें मुझे 35 मिनट लगे। मजा आएगा ना? तुम्हें आएगा मजा? चलो जाओ, तुम दोनों चले। हाँ, इनको गुड्डा अभी को भी तस्बीहें भी लेनी है वहाँ से शॉपिंग। अच्छा चले, अच्छा गाड़ी में चल रहे हैं। अच्छा चले गाड़ी में चल रहे हैं। अच्छा ये इन्होंने पूरा, ये तो बता दें आगे तक जाकर थोड़ा सा, ये पूरा ऐसे ही है, ये स्ट्रेट रोड जा रहा है। इन्होंने बनाया मस्जिद कुबा से ही पूरी स्ट्रीट, एंड अगर हम यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे तो ये स्ट्रेट हमें लेके जाएगा मस्जिद नबी। और कोई राज़ी नहीं हो रहा वॉक करके जाने के लिए, इसलिए हम दोबारा गाड़ी में पैक होंगे और जाएंगे हरम।
मस्जिद कुबा का वो रास्ता है और मंता का मतान, मतलब इसका मतलब है मतान, मतलब खाने को कहते हैं। अच्छा। कैफे और मतान की जगह इधर है, दौरा के इधर है, मतलब पार्किंग इधर है और दौरा और मियों का रास्ता उधर है। अच्छा, मर्दों का रास्ता। नाइसली एक्सप्लेन्ड। चलो, अगर हम इस रूट पे जाते तो हम जाते हैं मस्जिद नबवी, लेकिन हम जा रहे हैं वापस गाड़ी के अंदर, तो हम जा रहे हैं इस रास्ते से दोबारा पार्किंग। इलाफी के लिए कोई गिफ्ट लेना था। वापस आराम आने के बाद डिसाइड हुआ कि सबसे पहले खाएंगे खाना, क्योंकि सबको भूख भी लग रही थी और रात भी हो गई थी। तो डिसाइड दोबारा यही किया गया कि कड़क ही खाएंगे। बिरयानी उनकी बहुत मज़े की थी और सबको दोबारा वही खाना था। आशिक वाला को पता नहीं किसने कह दिया कि फर्स्ट फ्लोर पे इनके मॉल के अंदर जो है वो कैफेटेरिया है, वहाँ सेटिंग है, बिरयानी लेके आप ऊपर जाके खाना खा सकते हैं। और हम गए लिफ्ट के अंदर, ऊपर पहुँचे और ऊपर जाके पता चला कि ऐसा कोई सीन नहीं है, तो दोबारा नीचे गए और उसके बाद जगह ढूंढते ढूंढते पहुंच गए मस्जिद नबवी के सहन के अंदर और वहीं बैठकर सबने खाया खाना। चेयर्स का इंतजाम करिए जल्दी जल्दी, नीचे बैठ के खाना। बच्चों ने कुर्सियां रखने और निकालने का काम और जमजम पीने और पिलाने का काम मस्जिद नबवी में बहुत ही मजे से किया। Harim, can you please stop touching things? रखो जल्दी रखो, जा रहे हैं हम। चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। दुकानें भी बंद हो गई हैं। ऑलमोस्ट 1:30 हो गए हैं मदीना में, और हमारे घर वालों की शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। दुकानें बंद, हमें कल दोबारा आना है, बट स्टिल हम घूम रहे हैं अभी मदीना में। इन लोगों को कल दोबारा आने, फिर भी इन लोगों को घूमना है और हम थक गए। जब कोई शहर इस तरह साफ़ सुथरा रखना हो ना, तो ये तरीका होता है कि पिकअप ट्रक्स आते हैं, गार्बेज पिक करते हैं और जाते हैं। हमारे शहर की तरह नहीं कि लोग अपने घरों का कचरा सामने रोड पे फेंक देते हैं और रोड पे भी वो पता नहीं कितने दिन पड़ा रहता है, हफ्तों हफ्तों में उठ के चला जाता है। सिस्टमेटिकली जब चीज़ें होती हैं ना, तभी उनका रिज़ल्ट नज़र आता है। शॉपिंग हो गई है, अभी भी कुछ रह गया है। आयशा, अल्लाह आयशा गुस्सा है, कोई स्काफ नहीं लिया इस दफ़ा मदीना से। सारी दुकानें बंद हो गई हैं, अब कुछ ले भी नहीं सकते हैं यहाँ से। यस अल्लाह। हरू ने क्या खरीदा है? सब कुछ बंद हो गया भाई, सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ज़ियारत के लिए पहुँचे थे शौदाए मस्जिद, और उसी के साथ था शौदाए कब्रिस्तान, जो कि जबले बहुत और हौद के मकाम पे वाक़ था। और इसी तरह हमने 4 डेज स्पेंड करने के बाद मस्जिद नबवी को अल्लाह हाफिज़ कहा, और इस उम्मीद के साथ कहा कि अल्लाह ताला बार बार हमें मदीना बुलाएंगे इंशाल्लाह।